सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो घर से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करती, पर है ना यहाँ पे राजस्थान में क्या बताऊँ, बहुत लाइट कट रही है आजकल। लाइट हर 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में तो जा ही रही है और आने का कोई नाम नहीं। क्या बोलूँ, अब राजस्थान की हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं सकती, खैर छोड़ो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो ये देखिए निशानी तैयार होके बैठी है न्यू ड्रेस पहन के। मेरा ड्रेस तो मतलब साड़ी तो पुराना है और ये बैठी है। तो अभी मैं हम लोग जा रहे हैं और निशानी के पापा का है ना कुछ काम था वहाँ पे, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे उनका क्लाइंट से मीटिंग है। तो सोचा कि मतलब हम लोग भी चले जाते हैं, थोड़ा घूम के आ जाएंगे इसी वजह से। तो बस जा रहे हैं, ये देखिए। और मुझे लेके बिल्कुल नहीं जाने वाले थे, मैं बड़ी मुश्किल से मना के फिर जाके जा रही हूँ। घर पे अकेले अकेले मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से मैंने बोला कि आप जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ में लेके जाओ। क्या हाँ 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 कर रही है, ये भी बोलेगी क्योंकि इसको कुछ बोलना नहीं आ रहा फिर भी। तो इसी वजह से निशानी के पापा के साथ मैं लड़के झगड़ के फिर जाके जा रही हूँ, मुझे वहाँ पे जाना ही है, नाम सुन के ही मुझे जाना था। तो चलिए आप लोगों को मैं बताऊंगी जाके वहाँ पे कि कहाँ आई हूँ। निशानी को आज मैंने रेड और वाइट कलर का ड्रेस पहनाया है तो बहुत ही सुंदर लग रही है, मैंने सोचा मुझे बोल रहे हो। तो ये देखो एकदम सामने देख रही है, और ये ना जूता बिल्कुल भी, जूता चप्पल कुछ भी पहनना नहीं चाहती। ये देखो अभी मैंने इसका खोल दिया है, पहनाया था पर खोल दिया है, तब से खींच रही है मतलब जूते के लेस को। तो मैंने खोल दिया है कि शांति से बैठ जाए चुपचाप। और बाहर का मौसम इतना सुंदर है ना आज, मतलब ऐसा लगा तूफान हुआ था बहुत तेज, और बारिश का मौसम जैसा लग रहा है, पर बारिश हुई नहीं है अभी तक, पर ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। तो मौसम बहुत सुहाना है, ऐसा मौसम मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आप लोगों को एक बार मैं दिखाती हूँ बाहर का मौसम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, खाली रास्ता, खुला आसमान और कहीं बादल कहीं धूप, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था और कहीं कहीं बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम था। तो इस मौसम में लॉन्ग ड्राइव का तो मज़ा ही कुछ अलग है। और मुझे ना शुरू से ही ऐसे मौसम में घर पे बैठने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है मैं घूमती रहूँ। और यहाँ पे देखिए निशानी के पापा का मुंह फुला हुआ है, क्योंकि वो तो मुझे बिल्कुल लेके जाने वाले नहीं थे, पर मैं ही आई हूँ घूमने के लिए, तो इसी वजह से। तो वो तो ड्राइविंग करने में व्यस्त है और निशानी यहाँ पे खेल रही है, तो बस मेरे गोदी में है, कभी ये पकड़ रही है तो कभी वो पकड़ रही है, तो ऐसे ही चल रही है उसकी मस्ती। और यहाँ पे मैं निशानी को पिला रही थी दूध, तो दूध का एक कहानी है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। निशानी को ना मैं घर से दूध पिला के लेके आई थी, पर आज मतलब पिला के हम लोग कुछ दूर तक ही आए थे, मतलब 15-20 मिनट ही हुआ था। तो जितने में है ना निशानी को फिर से भूख लग गई कि नहीं लगी मुझे नहीं पता, वो थोड़ा सा रो रही थी, तो मैंने सोचा अभी दूध पिया है तो इसको फिर से मैं थोड़ा सा देखती हूँ दूध पीती है कि नहीं। पर उसने तो भैया पूरी बोतल ही खाली कर दी, और अगले दिन मैं गई थी ना घूमने तो पूरा बोतल धरा का धरा हुआ था, उसने बिल्कुल भी नहीं पिया था, तो दही जम गया था। तो फ्रेंड्स ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत खूबसूरत है, मतलब मैं दो बार आई हूँ, दिन एक बार आई थी और आज आई हूँ। तो मुझे ना ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत लगा, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी भी देखिए मैं चारों तरफ देख ही रही हूँ, वो देखिए दूर दूर तक बस पहाड़ी पहाड़ नजर आ रहे हैं। और निशानी के लिए ना मैं घर से उसको दूध पिला के और फिर जाके उसके लिए मैं दूध लेके आई थी, मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा पिएगी, उसने तो अभी पूरा दूध खाली कर दिया, पता नहीं आज इसके पेट में कौन है, पूरा दूध ही खाली कर दिया। अब अगर अभी ये दूध पिएगी ना तो मुझे बाहर से लेना पड़ेगा फिर से दूध, मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसे तो वो नहीं पीती, घर से पिला के लाई हूँ जस्ट, और अभी फिर से पी गई, पूरा बोतल चट कर गई। तो अभी हम लोग अजमेर पहुँचने वाले हैं, और आज हम लोग अजमेर होके कहीं और जाने वाले हैं, तो वहाँ पर जाके ही मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग अजमेर पहुंच गए हैं, और आप लोगों ने अजमेर फाइल्स मूवी तो देखी होगी, तो उस मूवी में जो कॉलेज था वो है ये वाला कॉलेज, तो ये सोफिया कॉलेज है अजमेर का।
सोफिया कॉलेज गर्ल्स कॉलेज और ये बॉयज़ कॉलेज है और साइड में गर्ल्स कॉलेज है। तो ये है वही अजमेर फाइल्स वाला सोफिया गर्ल्स कॉलेज। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे और फिर जाके हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए। तो मैं बड़े ही मतलब शॉक होके देख रही थी इस कॉलेज को। और फिर देखिए हम लोग निकल गए हैं आगे की तरफ कॉलेज छोड़ के। तो बस यहाँ पे देखिए कहीं कहीं ना बारिश हुई थी और कहीं कहीं मतलब बारिश नहीं भी थी और सनसेट का टाइम था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और मौसम बहुत अच्छा था। तो ये है मतलब अजमेर का डिफेंस एरिया, मतलब आर्मी कैंटीन वगैरह ये सब कुछ। और यहाँ पे देखिए ये जो होटल है ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था उस दिन रात को भी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरे होटल्स में लाइटिंग हो रखी थी। पहले तो मैंने सोचा कोई म्यूज़ियम है, पर बाद में पता चला ये होटल है। तो बस यही सब कुछ तो मैं यहाँ पे देख रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। देखिए इसका ऊपर चढ़ने का रास्ता बहुत ही अच्छा था। तो बस यही सब कुछ। और यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए हैं अजमेर आना सागर लेक पे। तो यहाँ पर देखिए सनसेट हो रखा था और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस रास्ते में ना मतलब मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि साइड में ही मतलब आना सागर झील था, तो इसी वजह से। तो और आप लोग गेस करो कि अजमेर से होके हम लोग किधर जा रहे हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम लोगों ने जस्ट अजमेर सिटी क्रॉस किया है और रास्ते की तो क्या ही तारीफ करूं मैं, बहुत अच्छा लग रहा था। पर यहाँ पर है ना आगे थोड़ा सा दिशानी के पापा को काम है। अभी हम दोनों कार में ही है और दिशानी के पापा गए हैं क्लाइंट से मिलने। तो अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठेंगे कार में ही और फिर जाके आगे की तरफ जाएंगे। तो अभी पता नहीं दिशानी के पापा को थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो चलिए फिर जाके आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स दिशानी के पापा को ना अजमेर से बाहर मतलब थोड़ा सा दूर आके कुछ काम था, मतलब क्लाइंट से मिलना विलना था, तो वहाँ पर हम लोग रुके थे, फिर हम लोग निकल गए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़। और मैं ना लास्ट टाइम ऐसे वादियों में कब गई थी, लॉकडाउन से पहले, और फिर जाके मेरा नहीं जाना हुआ था बिल्कुल। तो लॉकडाउन से पहले गई थी, एकदम जस्ट पहले ही, और आते से ही लॉकडाउन लगा था, घूम के आने के जस्ट बाद ही लॉकडाउन लग गया था। तो तब से अब तक मैं कभी भी मतलब ऐसे पहाड़ों में घूमने नहीं गई। तो अब आई थी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना मंजिल से अच्छा तो सफ़र लग रहा था, सच बोलूँ तो। तो बस यहाँ पर देखिए ये रास्ते बहुत ही ख़तरनाक थे, चढ़ाई चढ़ रहे थे हम लोग, मतलब यहाँ पर घाटी था तो बस ऐसे ही। और इस घाटी में है ना मैं बस दिशानी को पापा को बोल रही थी कि मतलब थोड़ा सा रोको, फ़ोटो वोटो खिंचवाना है, पर वो बिल्कुल भी नहीं माने। वो जल्दी जल्दी निकल रहे थे क्योंकि है ना शाम भी हो रखी थी इसी वजह से। तो बस अब हम लोग मंजिल में पहुंच गए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए दिशानी तो सो गई है और हम लोग अब अजमेर से आ गए हैं पुष्कर। तो आज हम लोग पुष्कर घूमने आए हैं। तो देखिए शाम भी हो गई है और दिशानी के पापा को ऐसे टाइम पे ही टाइम मिलता है, तो इसी वजह से हम लोग अभी आए हैं। सबसे पहले मैंने इनको बोला कि मार्केट में थोड़ा सा मुझे घूमना है, एक्सप्लोर करना है। मुझे ना मार्केट घूमने में कुछ लूँ या ना लूँ, पर घूमने में बहुत अच्छा लगता है देखने में नई नई चीज़ें। तो दिशानी तो सो गई है, तो अभी गाड़ी पार्किंग में आए हैं हम लोग। गाड़ी पार्क करके यहाँ से चलेंगे और घूमेंगे चलते चलते, तो चलिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स गाड़ी पार्किंग में लगा के अब हम लोग पैदल यात्रा करने वाले हैं और पैदल पैदल ही घूमने वाले हैं मार्केट के अंदर से, क्योंकि गली छोटी छोटी है, कहीं पे बड़ी तो पैदल ना घूमे तो मज़ा भी नहीं आता, सब कुछ देख भी नहीं पाऊंगी इसी वजह से। तो अब देखिए अभी हम लोग थोड़ी देर मार्केट में चलेंगे पैदल और चल चल के देखेंगे सारी जगहों पर। तो फ्रेंड्स दिशानी तो सो गई है, पर उसको है ना गोदी में लेके मुझे ही जाना पड़ेगा क्योंकि दिशानी के पापा के तो पैर में चोट लगी हुई है, आप लोगों को तो पता ही है। फिर भी वो घूमने के लिए राजी हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। और फिर जाके देखिए हम लोग यहाँ पर अंदर की तरफ जा रहे हैं और मार्केट तो बहुत बड़ा था और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं पूरा मार्केट घूमने के लिए। दिशानी नहीं होती ना तो मैं तो एकदम से मतलब पूरा घूम के आ जाती, दिशानी अगर बड़ी होती तो। और उसके पापा के पास वो रुकना भी नहीं चाहती, मतलब रात होते से ही उसको मैं ही चाहिए होती हूँ, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर देखिए मार्केट में बहुत सारे चीज़ें थे, बहुत सारे, और मुझे तो पूरा घूमना है ऐसा ही मैं सोच के आई हूँ। मैं दिशानी के पापा को एक जगह पर बिठा दूँगी लास्ट में अगर वो नहीं घूम पाएंगे तो, लेकिन मैं तो पूरा घूम के ही जाऊँगी, आज मुझे मौका मिला है इसी वजह से।
तो बस दिशानी को गोदी में लेके ही मुझे जाना पड़ रहा है, और दिशानी के पापा तो सिंपल खुद को लेके ही चल रहे, वही बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स पुष्कर में आए और ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी की दर्शन ना करें तो फिर बेकार ही है। पर मेरा तो क्या है कि शाम हो गई थी, इसी वजह से ना हम लोग नहीं गए थे। सुबह आते तो ज़रूर जाते। तो यहाँ पर है ना, मैं कुछ ब्रास के कुछ चीज़ें ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं पा रहा था। मतलब मिल तो रहा था पर वो ओरिजिनल ब्रास में नहीं था वो, ना मतलब मेटल का था, मिक्स मैच था, मतलब थोड़ा सा पीतल और थोड़ा सा दूसरा कोई चीज़ ऐसे मिक्स मैच में मिल रहा था, तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और मैं यहाँ पर वही चीज़ ढूंढ रही थी और बहुत सारी दुकानों के मैं चक्कर लगा रही थी, पर वो लोग मुझे जो दिखा रहे थे ना वो एक्चुअली में मिक्स मैच था, तो इसी वजह से मैंने नहीं लिया था। तो ऐसे ही घूम रही थी और देख रही थी, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था सारी चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं दूसरी दुकान में आई हूँ उसी चीज़ को ढूंढने के लिए, तो अभी तक मुझे मिली नहीं है। जिस दिन मुझे मिल जाएगी उस दिन मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मुझे तो उम्मीद थी कि यहाँ पे तो कम से कम मिलेगी, पर यहाँ पर भी नहीं मिला था। तो बस यही है। और फिर जाके हम लोग इस दुकान से भी निकल के बाहर आ गए थे, तो सब लोगों से जस्ट मैं पूछ रही थी तो वो लोग बता रहे थे कि हाँ है। और जब अंदर जा रही थी दुकान के तो वो लोग मुझे जो दिखा रहे थे वो मिक्स था, मेटल का था और ब्रास का बिल्कुल नहीं था, तो मुझे तो पहचान है। और वो लोग मुझे समझा रहे थे कि ऐसा ही आता है, पर मैं नहीं मानी और मैं निकल के आ गई। तो सारी दुकानों में यही हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलेक्शन थे, और यहाँ पे है ना मुझे फॉरेनर्स दिखे थे बहुत बार, तो मैंने वीडियोस में नहीं लिया क्योंकि ना बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं इसी वजह से, कभी कभार उन लोगों को मतलब ऑब्जेक्शन भी हो जाती है, तो मैंने ना लेना ही ज़्यादा अच्छा समझा। और मुझे ऐसा कोई दुकान नहीं था जहाँ पर वो लोग नहीं मिले थे, मतलब फॉरेनर्स, तो वो लोग ही घूम रहे थे और कुछ कुछ खरीद रहे थे। और यहाँ पर है ना बहुत सारी एंटिक चीज़ें थी, मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब वो लोग खरीद सकते हैं और ख़रीदते भी हैं। वैसे हम लोग तो मतलब मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ वो सारी, मतलब अंगूठी वगैरह कुछ अलग अलग, मतलब मेटल का कुछ अलग अलग धातुओं से बने हुए, जैसे कि वो रोज क्वाइट, पाइराइट, ये सब कुछ होता है ना वो पत्थर वत्थर, तो उस टाइप का था। तो बहुत सारे लोग ले रहे थे और फॉरेनर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड थे उन सब चीज़ों में। तो बस मैं देख रही थी, और यहाँ पर देखिए जितने भी सारे शॉप्स थे ना उसमें ज़्यादातर फॉरेनर्स के हिसाब से ही कपड़े थे। सामने से वी नेक और बहुत सारा मतलब डीप नेक ऐसा कुछ था। तो बस मैं देख रही थी, अच्छा लग रहा था, पर मैं तो पहनती नहीं हूँ तो इसी वजह से मतलब मैंने नहीं लिया। और वैसे मुझे अच्छा लग रहा था, कोई पहने तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर मैं खुद के लिए नहीं ले सकती थी। तो यहाँ पर देखिए दिशानी के पापा मुझे लेके आए कि थोड़ा सा मेरे पसंद की चीज़ें खा लो। तो यहाँ पर उन्होंने लिया था मालपुआ, तो ये है ना पुष्कर का फेमस है, और मैंने फर्स्ट बार इस टाइप का मालपुआ खाए थे, और इससे पहले मैं अलग अलग तरीके के खाए थे। तो यहाँ पर देखिए कुछ शॉर्ट्स थे तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ तो ले लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना मैंने एक शॉर्ट्स लिए थे, पर मैंने किस लिए लिए तो मुझे नहीं पता, पर मैंने सोचा ले लेती हूँ, कभी कभार नाइट को पहन लूँगी घर पर, या फिर अगर एक दो बार पहन के फिर किसी बहन बहन को दे दूँगी, क्योंकि ये ना एकदम स्कर्ट टाइप का लग रहा था तो अच्छा था और फ्री साइज का था। और ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना सारे ड्रेसेस वी नेक डीप नेक में था, मतलब इस वजह से अगर नेक इसका छोटा होता तो एक दो मैं ज़रूर लेती क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, पर बस वही है। तो यहाँ पर एक शॉर्ट्स लिया था, पर ये वाला नहीं लिया था मैंने, दूसरा लिया था, वो कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैंगल्स वगैरह, चूड़ी, मतलब इतने सारे कलर्स फूल, मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मेरी तो मम्मी के ही शॉप है तो इसी वजह से मैंने नहीं लिया। और ये सारे ड्रेसेस देखिए बहुत अच्छा लग रहा था। और तो फ्रेंड्स हम लोग पुष्कर का सारा मार्केट मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और घूम भी लिया है, और अच्छा मार्केट है। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, दिशानी को गोदी में ले लेके पूरा घूम के आई हूँ। पर तो फ्रेंड्स ये जो मार्केट है ना ये पूरा फॉरेनर्स के लिए ही है। भाई साहब क्या लूट मची है, मतलब बहुत भयंकर, इन लोगों ने प्राइस तो बहुत हाई कर रखी है। मतलब 2 रुपये की चीज़ ये लोग सीधे 50 रुपये में बेच रहे हैं, बोलना नहीं चाहिए। वैसे मार्केट में अच्छी अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग है ना इंडियंस को बेचने के लिए इंटरेस्टेड है। ये लोग इंडियंस के पास कुछ बेचने के लिए इंटरेस्टेड बिल्कुल मुझे नहीं दिखे। ये लोग सोचते हैं फॉरेनर्स के पास ही बेचे तो इनको ज़्यादा फायदा है।
तो सच में पुष्कर पुष्कर नाम सुना था और मैं पहले भी आई हूँ पर इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया था मार्केट को, पर आज जाके मैं पूरा घूम के आई हूँ और बस मैं तो सिर्फ सोचती ही रह गई कि ये लोग मतलब क्या लूट मचा रखी है सच में बहुत ज़्यादा। और बस मैंने तो वहाँ से कुछ भी नहीं लिया है और हाँ एक दो चीज़ ली है वो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं थोड़ा सा खा पी के, और ना निशानी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ना इसी वजह से ना मैं पूरा मतलब शूट भी नहीं कर पाई हूँ, नहीं तो इतना घूमी हूँ ना कि 4-5 ब्लॉग तो बन ही जाता। तो चलिए, और दिशानी के पापा मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे इतना घूम रही हूँ, पर मैं दिशानी को लेकर फिर भी घूम रही थी, उनको मैंने बिठा दिया था। पर हाँ यही है, यहाँ पे कपड़े वपड़े जो भी था ना वो नहीं था, हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं था, वैसे अच्छा था, मतलब गर्ल्स पहन सकती है, छोटी गर्ल्स वगैरह मतलब 13-14 साल की लड़कियों के लिए था। और पुष्कर में अगर आना है ना तो सुबह आना चाहिए, थोड़ा सा मतलब ब्रह्मा मंदिर है यहाँ पे तो दर्शन हो जाती, पर मेरा तो सुबह हो नहीं पाता है क्योंकि ना सुबह दिशानी के पापा बिजी रहते हैं, शाम को ही हो पाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं ब्रह्मा मंदिर में आऊँगी और इससे पहले भी आई हूँ एक बार बस, तो बस आज तो दर्शन हुआ नहीं, बस मार्केट एक्सप्लोर किया, थोड़ा बहुत घूमे फिरे और चले जा रहे हैं घर। तो यहाँ से ना अभी सीधे अजमेर जाएंगे और अजमेर जाके अजमेर का जो फूड है ना बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अभी घर चलते हैं, और घर तो क्या अजमेर चलेंगे। और देखिए यहाँ पे दिशानी उंगली खा रही है, दूध तो उसने सारा पी लिया है। तो फ्रेंड्स रात को है ना फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है और गाने सुनते सुनते हम लोग घर आ गए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था उसी रास्ते से होके, और रात को है ना घाटी बहुत खतरनाक लग रहा था। तो फ्रेंड्स अब हम हमारे घर के पास पहुंच गए हैं, तो दिशानी के पापा को यहाँ से भी कुछ खाना है तो अभी ये खाएंगे और फिर जाके हम घर जाएंगे। मतलब मैंने कहा था कि घर पर जाके खाना बना दूंगी, पर अब जाके टाइम बहुत हो गया है तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो निशानी के पापा बोल रहे हैं मुझे तुम कैसी इंसान हो, वहाँ पे भी अच्छे से मुझे खाने नहीं दिया और अब जाके घर के पास आके बोल रहे हो कि खाना घर पे बनाऊँगी, थक जाऊँगी, इससे अच्छा बाहर से खा लो। तो अभी देखती हूँ बाहर क्या मिलता है, तो खा पी के घर जाएंगे। जो भी खाना ऐसा खाना कि पेट भर जाए, घर पर जाके मुझे खाना नहीं बनाना पड़े, ठीक है। और ये देखो झिंगूर मेरे गोदी में, झिंगूर झिंगूर का ये फ्रॉक अच्छा लग रहा है, उसके नानी ने चॉइस किया है। झिंगू झिंगूर चीनी मम्मा है पापा, माता जी बैठी है और इनकी सुपुत्री नीचे क्या ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो नीचे, थोड़ा ऊपर भी आ जाओ, तेरी फ्रेंड्स अभी हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं और हम लोगों ने है ना बाहर से खाना नहीं खाया था, बस खाना पैक करवा लिया था। तो ये रहा खाना, निशानी को है ना दूध पिलाना था इसी वजह से हम लोगों ने बाहर खाना नहीं खाया, क्योंकि लेट हो जाते फिर इसको भूख लग जाती, इसीलिए ना पैक करवा लिया है। तो फ्रेंड्स घर पे पहुंच गए हैं, तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।